जैसे की, तो 4 से 5 घंटा लगातार पढ़ो, जब तक कि वो आपके दिमाग में बस ना जाए और उसको एक बार पढ़कर कम से कम 2-3 महीने बाद बोल ना पाए तब तक उसको पढ़ो। एक बार बसाने के बाद ही दूसरा चीज पढ़ो। ये बता, 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ना है, न कि 1 घंटा पढ़े 10 मिनट की लिब्रेरी, 2 घंटा पढ़े 20 मिनट की, ऐसा पढ़ाई नहीं होता। 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई करो, यदि मेडिकल की पढ़ाई का एक बार चेयर में बैठने के बाद, और यदि दूसरे बार आते हैं तो फिर वैसे, यानी कि दिन में कम से कम 8 घंटे 9 घंटे। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज होता है, ग्रुप में पढ़े, 4-5 लोगों की ग्रुप बनाकर पढ़े, ठीक है। इससे क्या होता है, हम एक दूसरे को बताते हैं, शेयर करते हैं बातों को, तो इससे हमारी नॉलेज बढ़ता है। और एक अच्छी चीज अभी है कि आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, लोग पूरे देश के विद्यार्थियों से जुड़ सकते हो गूगल के थ्रू। मैं साइट बता दूंगा, कुछ वेबसाइट होता है उसमें आप अपना एंट्री देंगे, उसमें अपना एड देंगे, मतलब एड्रेस वगैरह सब नाम एंट्री करेंगे, फिर उसमें आप पूरे देश के विद्यार्थियों को जुड़ेंगे उनसे, वो जितना भी मेडिकल या एडी की क्वेश्चन आते हैं उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर नई नई जानकारी ले सकते हैं उसी के जो मेडिकल से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड, ठीक है। और ठीक है।